देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ। बयाना बसेड़ी रोड पर करीब एक सप्ताह पूर्व सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए 10वीं कक्षा के छात्र ने उपचार के दौरान जयपुर के अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिसका आज बयारा के अस्पताल की मोर्चरी में पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पंचनामा और पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम क्रियाकर्म के लिए परिजनों को सौंप दिया। बयानाव्रत के थाना गढ़ी बाजना के पुलिस कांस्टेबल ब्रजेंद्र शर्मा ने बताया कि थाना क्षेत्र के गाँव कोटापुरा निवासी 15 वर्षीय छात्र रोहित गुर्जर 5 मार्च को बयाना बसेड़ी रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गया था, जिसे उपचार के लिए बयाना से जयपुर रेफर किया गया था। आज उसने उपचार के दौरान वाहन दम तोड़ दिया। इस हादसे से मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं आज पूरे गांव में किसी के भी घर में चूल्हे तक नहीं जले। सत्यमेव न्यूज के लिए बयाना से देवी सिंह प्रजापत की विशेष रिपोर्ट। हाँ जी, दिनांक 5/3/23 को दोपहर बाद में अपने थाने से बसेड़ी रोड पर गढ़ीबाजना थाने से 1 किलोमीटर आगे और एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में अपने ये मृतक रोहित सनो भूरा सिंह गुर्जर उम्र करीब 15 साल निवासी कूड़ापुरा थाना गढ़ीबाजना का दौरान इलाज उसकी फोत हो गई, मृत्यु हो गई और उसका CSC बयाना में मोड़सरी में डेड बॉडी रखी हुई थी, इसका पोस्टमार्टम करा दिया और बाद पोस्टमार्टम डेड बॉडी उनके परिजनों को सुपुर्द कर दी। 15 साल गए थे। इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और लेटेस्ट न्यूज YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज और प्रेस करें यहाँ बने बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा हमारे हर वीडियो से अपडेट रहें।